जो ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो ये बहुत परेशान होकर के आज ये धरने का आयोजन किया जा रहा है। इस धरने में पूर्वी दिल्ली के सभी मार्केट के प्रधान और जो हमारे लीडर डोंडली से लेकर के सीमापुरी तक के जो भी हमारे लीडर हैं, जो भी हमारे, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस लड़ाई को, इस उत्पीड़न को रोकने के लिए ये जो एलआईओ का एक जो है तानाशाही रवैया है उसको रोकने के लिए ये मुहिम छेड़ा गया है। मैं अपनी बात को अभी और विस्तार रूप से आगे करूंगा, उससे पहले हमारे दरमियान जो आए दिन एलआईओ के उत्पीड़न को, नगर निगम की तानाशाही को, नगर निगम की दादागिरी को छोड़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, वो लीडर, वो ब्रेंडर, वो फुटपाती विक्रेता सभी हमारे दरमियान है। आज वो दिन आ गया है कि हम लोग नगर निगम का ईद से ईद बता देंगे अगर हम लोगों को रोजगार करने नहीं देंगे तो, क्योंकि हम लोग चोरी नहीं कर रहे, हम लोग कोई डाका नहीं डाल रहे, हम लोग कोई हीरो गाजा का तस्करी नहीं कर रहे, कि ये अवैध रूप से हम लोगों का सामान जब्ती हो रहा है। और ये एलआई जो है, जितने एलआई है सब मोटा हो करके फैसे की तरह है, इतना उगाही ये लोग कर रहे हैं, जितना एक पीएम सीएम डीएम की सैलरी नहीं है उससे ज्यादा इनकी उगाही है। तो हम लोग इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को जो भी करना पड़े, चाहे इसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे इसके लिए धरना देना पड़े, चाहे इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, हम लोग वो लड़ाई को लड़ेंगे। अब हम लोग इन लोगों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारे सभी मार्केट से, सभी भाइयों से, सुरेश जी और जो लोग भी रोड पे खड़े हैं ज्वाला नगर से, और भी जो भी हमारे भाई जिस मार्केट से आए हुए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं और सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोगों को आगे ले जाना है। आप लोग आकर के यहां बैठे और हम लोगों को ये सोच करके बैठना है कि जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग आए हुए हैं, जो हमारा मांग है इसको हम लोग मनवा करके दम लेंगे, चाहे 10 बार भी आना पड़े हम लोग आएंगे, लेकिन अब उत्पीड़न नहीं सहेंगे। अब एक एक करके जो हमारे मार्केट के लीडर हैं, जो हमारे पीबीसी के मेंबर हैं, जो हमारे एक्टिव फुटपाती विक्रेता हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों को मुद्दे से नहीं भटकना है। अब तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा कानून लागू हो, फिर वो हुआ, फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ा कि रूल्स स्कीम बनाओ, वो भी हुआ, फिर लड़ाई लड़े कि भाई टीबीसी बनाओ, टीबीसी बनी, वो अलग बात है कि टीबीसी को ये लोग अहमियत नहीं दे रहे। फिर बहुत संघर्ष हुआ कि सर्वे करो, सर्वे हुआ, फिर संघर्ष हुआ सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट मिला, लेकिन उसके बावजूद आज जो इतना उत्पीड़न हो रहा है, हर एलआई मतदार जाकर के बोल रहा है कि इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए बोल रहा है कि उनके दिमाग में, बंदरों के दिमाग में कीड़ा भर दे ताकि हमारा उगाही चालू रहे। हमें उनके दिमाग में कीड़ा भरना है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम्हारी बेवकूफी है, ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारी तानाशाही है, यही सर्टिफिकेट हमारे लिए सब कुछ है, इसी के लिए हम लोग इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे। अगर इसको तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, हम तुम्हारी गाड़ी को जला देंगे, हम तुम्हारी गाड़ी को फेर लेंगे। एलआईओ की जो दादागिरी है, आज ये धरने का
जो हम लोग आयोजन किए हैं ये कोई ऐसे नहीं किया गया है। आए दिन सब कुछ होने के बावजूद हमारे वेंडर रो रहे हैं, हमारे वेंडर परेशान हैं, हमारे वेंडर दुखी हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिल गया फिर भी हमारा उत्पीड़न नहीं रुक रहा है।